पर खड़े हैं और ये जो ट्री की लेंथ हाइट है वो आपको निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बेस से आप जा खड़े हैं वहाँ तक की बेस की लेंथ निकाल लेनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस के रेशियो से हम एंगल और बेस की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी हेल्प से परपेंडिकुलर आसानी से निकल जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, आप नहीं निकाल पाएंगे उसे। उसके लिए आपको दो पॉइंट्स लेने हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकाल लेनी है और टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेना है। फर्स्ट ट्राइंगल है उसका एंगल होगा बीटा, सेकेंड ट्राइंगल का एंगल होगा अल्फा। इसके हेल्प से हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा जिसका नाम है हाइट इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब दोनों एंगल की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो हाइट है उनसे भी निकल जाएगी। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट मॉडल एट ऑफ एट्स ग्राफ। जो 2D ग्राफ होते हैं वो हम बोर्ड पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं बट 3D ग्राफ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसके लिए हमारे पास एट ऑफ एट्स का ग्राफ है, प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं हर तरफ से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज जेड एक्सिस। हमने क्यू वर्ड लिया है, अब इसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं तो 7, 4 और 2 इसके कोऑर्डिनेट इजीली निकल गए। आप किसी भी शेप का, लाइन का, रे का, पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है डे ऑफ एनी डेट। किसी भी डेट का जो डे है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए कि डेट है 11/12/2018। जो ईयर है उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 4 कॉलम्स है, इधर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का 12 फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और जो 18 है वो फोर्थ कॉलम में लिख दिया। अब हमारे पास सेंचुरी कोड है 0, 6, 4, 2, 6 है। आप डिफरेंट ईयर्स के ये कोड लगा के फिर निकाल सकते हैं। 2000 से 2099 है वो उसके लिए 6 है कोड, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है मंथ कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस टाइप से नवंबर है वो यहाँ पर आएगा सेकेंड लास्ट पोजिशन पर। 4 है उसका कोड, 4 हमने यहाँ लिख दिया, 18 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसलिए क्योंकि जो लीप ईयर होता है वो हर 4 ईयर्स के बीच में आता है। 4, 4 जा 16 क्वेश्चन है वो 4 है। अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो एडिशन आएगा 44। अब 44 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसलिए क्योंकि जो वीक होता है उसमें 7 डेज होते हैं, रिमाइंडर आया 2। 2 के लिए अब हमारे पास डेट कोड है, आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर लिखा है और उसके सामने मंडे, और इस डेट के दिन मंडे ही डे था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक थ्रेड है और एक सर्कल है। अब इस थ्रेड है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल है इसके सर्कमफेरेंस के, फिर भी मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा देती हूँ। यस, इसके इक्वल है। आप देख सकते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, 22/7 इसका वैल्यू होता है। तो ये जो है ना वैल्यू होती है वो सर्कमफेरेंस और इसके डायमीटर के रेशियो के इक्वल होती है। अब इस वैल्यू को किसी ने प्रैक्टिकल एक्सप्लेन नहीं किया है तो जो थ्रेड है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल है। अब हम डायमीटर के राउंड्स लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 2 राउंड यहाँ और 1 राउंड यहाँ, मीन्स 3 राउंड्स है और ये थोड़ा पोर्शन रह गया है। अब जो ये पोर्शन रहा है वो 0.14 है और जो 3 राउंड्स है वो 3 की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू 3.14 हो गई। अब नेक्स्ट मॉडल के लिए मैं इंजल को देना चाहूंगी। सो जैसा कि अभी निखार ने बताया कि सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, हर चीज सर्कल के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें जैसे कंपास है जिससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एलिप्स एक ऐसा शेप है जो हम पेंसिल से सही से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो नहीं इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो आज हम आपके लिए इंस्ट्रूमेंट लेके आए एलिप्स बनाने के लिए, एंड इट इज एलिप्सोग्राफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक स्टिक है और यहाँ हॉल जिसमें मैंने पेंसिल फिट कर रखी है। अब जैसे जैसे मैं इस पेंसिल को मूव करूँगी वैसे एलिप्स बनता जाएगा। अब आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट एलिप्स ड्रॉ हो चुका है, एंड इट इज वेरी यूजफुल। सो नेक्स्ट मॉडल इज बेस्ड ऑन एयर प्रेशर। हियर यू कैन सी हमने एक बॉटल ले रखी है और उसके माउथ पे बलून फिट कर रखा है। अब जैसे ही मैं इस बलून को फुलाऊंगी अब आप देख सकते हैं इस बलून में से हवा नहीं निकल रही, और आप सोच रहे होंगे कैसा क्यों, तो अब मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें से एयर निकल चुकी है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ एक हॉल इस पर
फिंगर रख रही थी। इसका एयर का प्रेशर इस बलून पे हुआ जिस वजह से इससे एयर पास हो गई, और जब मैंने यहाँ फिंगर रखी हुई थी तब इससे एयर पास नहीं हो रही थी। सो अवर नेक्स्ट मॉडल इज मैजिक नंबर। मैजिक नंबर इट इज बेस्ड ऑन मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आप इसमें से कोई भी एक नंबर चूज करें, जिसे मैंने चूज किया 5। अब हमें देखना है, चेक करना है कि इस कार्ड में 5 नंबर है या नहीं। अब जैसे इसमें नहीं है तो हमने इसे साइड में रख दिया, इसमें भी नहीं है yes. और इसका मतलब अब इन चारों में 5 नंबर है। तो जैसे ही हमने इसे रख दिया तो आप देख सकते हैं वो नंबर 5 ही निकला। एंड नाउ आवर लास्ट मॉडल इज अ पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन कॉन्सेप्ट। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हम बच्चों को समझा सकते हैं इसे पैरेलल लाइंस क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसे मूव किया तो यहाँ कलर चेंज नहीं हो रहा, ब्लू ब्लू ही है और येलो येलो ही है। बट जैसे ही मैंने इसे मूव किया तो यहाँ ब्लू येलो हो गया और येलो ब्लू हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तो ये पैरेलल लाइंस थी और यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छे से समझा सकते कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।